नमस्कार, मैं ओम यादव और आप देख रहे हैं येलो टीवी। आज मैं आप सभी लोगों के बीच में हाजिर हूं एक बड़े ही गंभीर और अहम मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसे हमारे देश के हिंदू समझते हैं कि ये बहुत बड़ा धर्म रक्षक है, हिंदुओं का सबसे बड़ा ठेकेदार समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये हिंदू विरोधी है और इसने सिर्फ और सिर्फ धर्म का चोला बना हुआ है हिंदू समाज को मूर्ख बनाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में, जिसे आप लोग चिलम बाबा के नाम से भी जानते हैं, जिसका असलियत नाम अजय सिंह बिष्ट है, जो राजपूत समाज से आते हैं। ये बात तो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार यादवों की निरंतर हत्याएं की जा रही हैं। एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जा रहा है जब यादवों के मान सम्मान अभिमान से खिलवाड़ ना किया जाए। एक बार फिर से ऐसी ही घटना उस दिन हम लोगों के सामने आई है जब यादव समाज बड़े ही गर्व से भगवान कृष्ण की पूजा करता है, आराधना करता है। सिर्फ यादव समाज ही नहीं, समस्त हिंदू समाज को शर्मसार करने वाली घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सवरेजी गांव से आई है, जहां पर जन्माष्टमी के दिन कुछ बालक भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे उनकी मूर्ति को लगाकर, लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनके पुलिस वालों से देखा नहीं गया। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण सिर्फ यादवों के हैं, हिंदुओं के नहीं है, इसीलिए उन्होंने यादवों को अपमानित करने के लिए भगवान कृष्ण की मूर्ति को उखाड़ के फेंक दिया और फेंका भी कंडे नाले के अंदर। अरे शर्म नहीं आई इन लोगों को भगवान कृष्ण की मूर्ति को इस तरह से अपमानित करने के लिए? ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दुश्मन है, राजनीतिक रूप से तो समाजवादी पार्टी है, और उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश के यादव समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं, इसीलिए कोई भी ऐसा मौका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे यादवों को अपमानित ना किया जाए। और यहाँ पर भी उन्हीं के जाति के आदमी ने, कोई हिंदू है वो मुसलमान नहीं है और ना ही कोई ईसाई है, वो एक हिंदू है, राजपूत समाज से आता है, और उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति को लात मारी अपमानित करने का काम किया। अगर यहाँ पर कोई मुस्लिम होता तो अब तक इस देश के अंदर हो सकता है दंगे हो चुके होते, जैसे बेंगलोर के अंदर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सारे के सारे हिंदू वाले संगठन जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, सब के सब खामोश बैठे हुए हैं। किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला है योगी आदित्यनाथ सरकार की आलोचना करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण को हिंदू मानते ही नहीं है, और अगर मानते भी हैं तो इनके लिए भगवान कृष्ण से ज्यादा यादव मायने रखते हैं। इनके लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि क्या ऐसा काम किया जाए जिससे यादवों को अपमानित करना पड़े। मैं योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो देखे तो, कि यादवों को अपमानित करने के लिए आप इतना नीचे मत गिर जाइए। आप हत्याएं करवा रहे हैं वही बहुत है, और मैं समस्त यादव संगठनों से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर यादवों को इतना अपमानित किया जा रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों के संगठन आखिर क्या कर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं इसके खिलाफ धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? मैं समस्त यादव समाज और हिंदू समाज के लोगों से क्या कहना चाहता हूँ कि क्या भगवान कृष्ण आपकी नज़र में हिंदू नहीं है? क्या आपके लिए यादवों से नफरत ज़्यादा मायने रखती है और इसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं? मैं समस्त हिंदू समाज, समस्त यादव समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इस ठाकुर जयंती सेन के खिलाफ आवाज़ उठाइए, इसको निलंबित करने के लिए आवाज़ उठाइए, जैसे गुजरात के यादवों ने मुरारी बापू के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उसको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के यादवों के अंदर ज़रा भी गुस्सा, ज़रा भी रोष देखने को नहीं मिल रहा है इस ठाकुर जयंती सिंह को लेकर। तो समस्त यादव समाज से मेरा निवेदन है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और इन सारी चीज़ों को नोट करके रख लीजिए, एक एक चीज़ का हिसाब लेना है। चलिए आपसे मुलाकात करूँगा किसी और दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात करता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।